आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। और बात करेंगे बिहार की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए हैं, और उन्हीं में से एक फैसला उन्होंने ये लिया है कि डीजल ऑटो चलता रहेगा 30 सितंबर 2021 तक, कोई रोक उसमें नहीं लगाई गई है। पटना शहरी क्षेत्र में डीजल ऑटो चलता रहेगा 30 सितंबर 2021 तक, इसको लेकर कोई रोक नहीं लगाई गई है। पटना जिले के 4 नगर निकायों पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में अब 30 सितंबर 2021 की मध्य रात्रि तक ही डीजल से चलने वाले ऑटो का परिचालन हो सकेगा। 1 अक्टूबर को इनके परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और सीधे आपको लिए चलेंगे पटना, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी शादाब हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब, कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, और उन्हीं में से एक फैसला ये भी है कि 30 सितंबर 2021 तक डीजल ऑटो जो है वो चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई है। क्या कहेंगे? रेखा, 7 नवंबर 2019 को सरकार ने यह फैसला लिया था कि पटना में 31 जनवरी 2021 से और पटना के अलग दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषदों से सारे ऑटो और पुराने सारे डीजल की गाड़ी और पुराने ऑटो वाले डीजल वाली गाड़ी को पर रोक लगा दी गई थी। मगर हमने उस खबर को दिखाया, लोगों की मांग को सरकार तक पहुंचाया, और आज उसका असर है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिससे कि हम लोगों ने पिछली बार भी कुछ ऑटो के चालकों से बात की थी, जिनकी अपने ऑटो हैं उनसे बात की थी, और उनकी आवाज़ को हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाई, इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रेखा, मैं टेम्पू चालक वीरेंद्र ठाकुर, आज मीडिया वाले के साथ जो हम लोगों से न्यूज दिए थे, जो बहुत तरह के मांग था, लेकिन एक इसमें सरकार ने 9 महीना का टाइम बढ़ाए, इसमें मीडिया वाले को टेम्पू समाज के तरफ से बहुत बड़ा बधाई। हाँ, तो आप लोगों को अभी ये डेट बढ़ा दिया गया है, जो 31 जनवरी से बंद होने वाला था टेम्पू, उसको अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, तो आप लोगों का और क्या कहना है इस पर? सरकार को मेरे तरफ से बधाई है, लेकिन इससे मेरा समस्या हल नहीं होगा, क्योंकि 9 महीना में हम क्या कर लेंगे, क्योंकि इस सरकार जो अनुदान राशि जो तय किया है 40,000, इसको बढ़ाकर 70,000 सरकार करे, और अनुदान राशि जो है बैंक को दे दे, हम लोगों को गाड़ी ले ले, और हमारे गाड़ी दूसरा नई गाड़ी दे दे, और 70,000 नई गाड़ी में लेप्स कर और जो है सो उसका किस्त बना दे, हम लोग किस्त देते रहेंगे उसके 10 साल को, सरकार को हम लोग टैक्स भी दिए हुए हैं, अभी मेरा पैसा सरकार के यहाँ बकाया है। इस हाल में सरकार अगर 9 महीना ठीक है बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, सही कहा उन्होंने। और इसके साथ ही शादाब, एक सवाल ये भी है कि आप ऑटो चालकों से जानिए और उनसे पूछने की कोशिश करिए कि क्या सीएनजी ऑटो को लेकर इन चालकों में किसी तरह का कोई उत्साह नहीं है क्या? अच्छा, आप लोगों में सीएनजी गैस जो लगाया जाएगा, गैस किट, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि वो लगना तो बेहतर है, उससे प्रदूषण भी कम होगा? लग जाएगा तो अच्छी बात है, जैसे बस में लगाए ना 20 गाड़ी में, उसी ढंग से मेरे को गाड़ी में किट लगा दें। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? किट लग जाना चाहिए, वो पैसा हम ही लोग देंगे, चाहे लोन पर दें, चाहे अपन जिसको पास पैसा होगा अपन कैश खरीद लेगा। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? किट सर हम लोग को चाहिए। किट क्या मतलब, आप खुद से लगाइएगा, सरकार से चाह रहे हैं? सरकार देंगे, व्यवस्था करेंगे। चालकों की अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी डिमांड है, लेकिन सरकार की ओर से इन्हें राहत देते हुए तारीखों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जो समय निर्धारित किया गया था अब उसे बढ़ा करके 9 माह अधिक कर दिया गया है। ऐसे में इन्हें कुछ समय मिल गया है ताकि ये अपनी समस्याओं का निदान कर सके, और इसके साथ ही सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों पर सरकार अच्छी तरीके से अमल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब हमें तमाम जानकारियां देने के लिए और ऑटो चालकों से बात करने के लिए। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि
पटना जिले के चार नगर निकायों पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में अब 30 सितंबर 2021 की मध्य रात्रि तक ही डीजल से चलने वाले ऑटो का परिचालन हो सकेगा। सरकार के इस फैसले के बाद ऑटो चालक भले ही खुश नजर आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा समय मिल गया है, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं, जैसा कि उनका कहना है कि उनका जड़ से निदान नहीं हो पाया है, अभी भी उन्हें थोड़ा और वक्त मिले तो उनके लिए अच्छी बात होगी। अब देखना होगा कि आगे सरकार की ओर से ऑटो चालकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा।